चुने जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए। अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला। तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। तुम्हारे नसीब में दो शादियां लिखी, कुर्बानी देगी। ये सब कौन है बाबा? आखिर तुमने वो ही किया जो हर मर्द करता है। कितना आसान है तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना। ये तो बहुत अजीब सा अमल है बाबा, इसका गुना भी तो होगा। इस अमल का गुना मेरे सर होगा, तुम्हारे नहीं। अरे क्यों अपने ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो अब्बा? अरे मरने वाले हो लेकिन इस बात का एहसास नहीं है कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। सब कुछ था मेरे पास, तुम लोगों के लिए कम कमा कमा कर रखा था। याद नहीं है क्या? भूल गए? नौकर चाकर, गाड़ियां, अच्छी तालीम, तुम्हारी माँ ने अपने भाइयों को दे देकर सब कुछ लुटा दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, सब दबा कर बैठे हुए हो, पता नहीं साथ लेके जाओगे। एक बात मेरी सुन लो कान खोल के, वो जो तुम्हारी लाडली है ना, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे जाने के बाद सीधा तुम्हारे पास भेजूंगी, तुम्हारे पीछे। ऐसा हरगिज मत करना सुभेदा, वरना बहुत पछता होगी। तो सारी जिंदगी मेरी जायदाद के लिए तड़पती रह जाओगी और कुछ हाथ नहीं आने का। हर चीज, तमाम जायदाद जहरा के नाम है। बाप, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं ना, मेरे लिए कुछ नहीं रखा आपने? हाँ हेलो जहरा, आप मेरे कमरे में आए प्लीज। जी सर। थैंक यू। जी सर। आपको एचआर डिपार्टमेंट से फोन आया था? नहीं सर, खैरियत? हमारी टीम को आपसे बहुत शिकायत है। सर अब तो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ वो भी यही कह रहे थे, कल जो आपने प्रेजेंटेशन की थी उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। आपने इस कंपनी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया इतने सालों में, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि डिपार्टमेंट की डाउनसाइजिंग हो, जिनमें आपका नाम भी शामिल है। नहीं सर ऐसा मत कहें, सर खुदा के लिए ऐसा मत कहें, यही एक जगह है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। देखिए आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी ले लें और इंशाल्लाह मैं आपकी जॉब का कहीं और बंदोबस्त करवा देता हूँ। सर बन गई है। जरा कैसी हो? पहचाना इसको? नहीं। बचपन में साथ खेल के ही बड़े हुए। राबिया मेरी कजन, मेरी होने वाली बीवी।
कल ही हमारी बात पक्की हुई है। खाला ने बताया नहीं? आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो तेरे काबिल नहीं था, सोचा आराम से। शाबाश, गुड गर्ल। चलो उठ 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 लेट सो जा मेरे बेटा, आराम से सो जा। चलो 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 चलो, क्विक 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 क्विक, शाबाश, लेटो, आराम से सो जाओ। चलो बस बस, उसकी बदकिस्मती ने उसे इस हाल को पहुंचा दिया है। इससे पहले भी उसकी दो बंगनियां टूट चुकी हैं। मेरा ख्याल था कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ गई होगी, लेकिन वक्त ने भी उसके जख्मों को ठीक नहीं किया। मुझे तो सिर्फ तुम पर गुस्सा है, सारा कसूर तुम्हारा है। और हम दोनों जानते हैं जुल्फिकार, जो शख्स पहले से जख्मी हो उसको मजीद जख्मी ना करो। लेकिन मेरे गुनाहों की सजा वो क्यों भुगते बेचारी? तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा। सुनो मोमिन जी, कराओ जी। देखो कौन है। इन्हीं के बाद नोच नोच कर तुम बड़े हुए हो। सारा सारा दिन तुम इन्हीं के कांधों पे घुमा करते थे। सिप्तान अंकल है भाई। ओह माय गॉड, सिप्तान अंकल, सो गुड टू सी यू। अरे आपने इतना क्या हल कर लिया, आप तो बाबा से भी बड़े लग रहे हैं। नहीं बेटा, वो बस वक्त ने बूढ़ा कर दिया मुझे। तुम जहरा से मिले? जहरा बाहर टहल रही है। मुझे आज भी याद है, मेरी बाइसिकल लेके घूमा करती थी और इतनी जोर की चीखें मारती थी कि मुझे अपने कान बंद करने पड़ते थे। लेकिन अब वो वैसी नहीं रही है, बिल्कुल नहीं चीखती। क्या वो उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मिल लो उसे जाकर, पता चल जाएगा। तो हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूं। जहरा,
क्या हाल है छोटी? याद आया तुम्हें, छोटे होते मेरी साइकिल लेके घुमा करती थी और जोर जोर से गाने गाती थी। आप कौन? मैं मोमिन, पहचाना नहीं तुमने? ऐसा ना हो बेटा कि डॉक्टर बनने के बाद तेरे पास तेरी माँ ही ना हो। चुड़ैल को सुकून मिल गया, ये कहाँ गई अपने बाप को? मेरे लिए पापा ने जितने अमल किए सब पूरे हुए, अली आके मेरे कदमों में गिर गए। तेरी कुदरत मौला। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी विल तैयार कर ली थी। ज़ुल्फ़िकार, मुझे ज़ेरा की बहुत फिक्र है, मेरे बाद न जाने उसके साथ क्या होगा। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। उसे दरअसल मोहब्बत की जरूरत है, डिप्रेशन है उसे, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि उसे ले आया करो। हाँ, मैं सोच रहा हूं कि मैं अब आता रहूंगा तुम्हारे पास। वैसे तुम भी चक्कर लगाओ कभी, तुम्हारा अपना घर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चंद दिनों में तुम्हारे घर चक्कर लगाता हूँ। मैं भी तो मिलूं तुम्हारी फैमिली से। ज़ेरा से भी मिलोगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा, वो भी तो तुम्हारी बेटी है ना। वैसे ज़ुल्फ़िकार, तुम्हारी मेरी किस्मत कुछ मिलती सी है। मुझे डर लगता है कि ज़ेरा के साथ भी खुदा न खास्ता वो ना हो जो तुम्हारी बेटी के साथ। नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे, मैं दुआ करूंगा उसके लिए। हाल बता, तुम अपनी गलतियों की खुदा से माफी मांगा करो। अंदर जाके सारा देख लीजिएगा, ठीक है ना? डॉक्टर, चला गया ना मेरा शौहर। मुझे माफ कर दें, मैंने आपके शौहर को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन आपके शौहर की उम्र तो मेरी भी हो गई है। मौत उम्र देकर कब आती है? आप तसल्ली रखें, आपके घर वाले कहाँ हैं? बच्चे तो छोड़कर चले गए हैं, अब अल्लाह का ही सहारा है। सुकेना बेटा, जरा देख चूल्हे पे ध्यान रखिए, जरा हिला दे जाके। पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की सारा दिन, कोई काम नहीं होता इससे। अरे सुकेना, चूल्हा बंद कर दे। मेरी दाल ही ना जल जाए, बैठ के बना लेती हूँ। बेटा, मैं तुम्हें पढ़ने से मना नहीं करती, लेकिन उठकर घर के कामकाज तो देख लिया करो। मैं तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो ना? अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं कि मैं कभी कोई काम करती ही नहीं हूँ। ये काम आप सुबह सवेरे क्यों नहीं कराती मेड से?
वैसे आप मुझे कभी कुछ बनने नहीं देंगी। ऐसा ना हो बेटा कि डॉक्टर बनने के बाद तेरे पास तेरी माँ ही ना हो। मैं तो तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा समझती थी और तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है। भाई देखा, अब इस मनहूस को यहाँ उठा कर ले आइए। सारा दिन ये तमाशा चलता रहता है, मोहल्ले वाले तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। पता नहीं अब हमारे घर पे क्या कयामत आने वाली है। देख सहरा, संभाल खुद को, तो इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। बीमार पड़ जाएगी, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तू चल आज, मैं तुझे बाबा के पास लेके जाती हूँ। मैं मनहूस हूं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मुझे भी लगता है कि तू मनहूस ही है। मेरे लिए पापा ने जितने अमल किए सब पूरे हुए, अली आके मेरे कदमों में गिर गए। तेरे किए हुए अमल तो लगता है उल्टे होने लगे हैं। कुछ बाकी नहीं बचेगा। चल संभाल, जाए भी। बेशक आज मैंने अपनी सारी मन्नतें उतार दी, अब तो मेरी माफी कबूल कर ली। बहुत दिल दुखाए हैं मैंने खुदा, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि तेरे नजदीक सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का है। अब कभी कोई गलती नहीं करूंगा। क्या हाल है सत्यन? जिंदा हूँ बस। फिर क्या ख्याल है, आज कवाली पढ़ोगे मेरे साथ? किस चीज का इंतजार है, कल किसने देखा है? दुआ में शर्क नहीं है क्या? मेरी कवाली पढ़ने से मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी? ये तो पता नहीं, शायद तुम्हारी माफी कबूल हो जाए। कभी कभी हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि हमारी माफी कबूल नहीं होती। वो बड़ा रहम करने वाला है सुल्तान, शायद हमें भी कभी माफी नहीं है। बेशक।
सत्यानाश जाए मैंने उसका एक आ गई अपने बाप को। अल्लाह जी। अरे बहन ऐसे तो ना बोलो, वो बिचारी तो पहले ही वक्त की मारी हुई है। और बेटी है तेरी? नहीं ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी नहीं हो सकती। अरे ये मर क्यों नहीं जाती? ये मर जाती वो तो ना मरता, कम से कम मेरा बच्चा यतीम तो ना होता, इसकी मुरादे मर आई। अरे ये ना मरते, इसको मौत आ जाती, इसका मौत आ जाती। तुम्हारे अब्बा चले गए हैं जरा, अपने बाप को मैं अकेला छोड़ इस दुनिया से चले गए। रोले रोले मेरी सहेली, जी भर के रोले। तू भी अकेली होगी मेरी तरह, कोई नहीं रहा तेरा भी मेरी तरह इस दुनिया में। रोले तेरी किस्मत भी मेरी तरह की निकली। रोले जहरा रोले। कहाँ से करूँ आसला? मुझे क्या पता था अब्बा इतनी जल्दी चले जाएंगे। मुझे माफ कर देना अब्बा, बहुत बुरा बेटा हूँ मैं, कभी कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, कभी कुछ नहीं किया। मेरा भैया चला गया इस दुनिया से मुझे छोड़ के। चलो जी देर हो रही है, शहादत कलमा शहादत। कैसे सबर करूं? आए मेरे अल्लाह। अरे जल्दी से पानी लेकर आओ उसके लिए, पानी लेकर आओ। आए मर गई मैं, आए मैं मर गई। इस चुड़ैल को सुकून मिल गया, ये कहाँ गई अपने बाप को? आए आए अब हमेशा मेरे पास रहेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, अगर मर गई ना वो तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम दुआ करो मैं मर जाऊं, वरना मैं तुम्हारी जिगरी दोस्त जहरा की तरह ना पागल हो जाऊंगी। तेरी कुदरत मौला। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, बस वहीं चला गया हूं जहां सब कुछ जाना होता है।
अब्बा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बाहर सब कह रहे हैं कि आप मर गए। मैं तो डर गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में हूं और ना छत है ना जमीन। मगर आप तो कहीं गए ही नहीं, अब हमेशा मेरे पास रहेंगे ना। हाँ हाँ बेटा, मैं तेरा बाप हूं ना, चाहे जितना भी दूर चला जाऊं तो जब जब मुझे याद करेगी मैं तेरे पास होऊंगा। वहां कुछ मामलात में मैं बेबस हूं, लेकिन तू घबरा मत, तू जब तक जिंदा है तू बेबस नहीं है। नहीं छोड़ के जाएंगे ना मुझे, साथ रहेंगे ना, वादा करें। पागल है सब। सो जाऊंगी। नहीं गई अब्बा, रो रहे। हे सो जा। आखिर मोमिन क्यों नहीं समझता, जिंदगी और मौत एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं। जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती तो हम चले जाते, फिर चाहे हम 80 साल की हों या 20 साल की। मैं उस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि उसकी जिंदगी ना चाहते हुए भी अम्मी और अब्बा के कंट्रोल में है। अंकल जो चाहते हैं ना वो मोमिन से करवाते हैं। मोमिन तो क्या किसी को इल्म नहीं होता। और कितने साल और कितने मसले, आपने तो मेरी हर बार मदद की, इस बार क्या करेंगे आप? फिक्र मत करो, कोई ना कोई हल तो निकालना है ना, मगर मुसीबत यह है कि इस बार हमारा मुकाबला अंकल से है। नजूमी जिन्नात रूह ये क्यों मुझे यकीन नहीं दिला सके कि ये सब हैं? लाइबा की मौत से पहले मुझे दुआओं पर यकीन था, लेकिन अब तो। हामिद भाई, मोमिन बहुत यकीन रखता है अपने बाबा पर, आप देखना वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम बेफिक्र रहो, अपने भाई को इतना कमजोर ना समझो, कोई ना कोई हल तो निकाल लूंगा। मैं अपनी लाइबा की तरह तुम्हें कुर्बान होते नहीं देख सकता, और ना ही तुम दोनों को अलग होते देख सकता हूं। अब्बा, ये अम्मा मुस्तफा मैं, अब्बा अम्मा मुस्तफा मैं। अल्लाह मेरे अब्बा को लंबी जिंदगी देना, सेहत देना, हजारों साल जिए मेरे अब्बा। अरे अम्मा क्या कर रही है तू, भूख लग रही है मुझे, वो बुलाओ उस महारानी को, खाना देगी हमें।
अरे दफा कर रहने दे उसको, याद नहीं है एक बार पहले खाना पकाया था, आग लगा दी थी उसने। मरी रहने दे उसी कोने में जहाँ बैठी हुई ना, अल्लाह करे वहीं पड़ी पड़ी मर जाए। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, मरने ही तो नहीं देना उसको, पागल पागल हो गई क्या? अगर मर गई ना वो तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जा बुला ले उस कमबख्त को भी, वो भी ठूस ले आके खाना। ज़ेरब, ज़ेरब। वो मैं और अंशिका, अब्बा अम्मा। ओए ज़ेरब, चलो माँ बुला रही है खाने के लिए। मेरे अब्बा को लंबी जिंदगी देना, सेहत दे अब्बा जिए, लंबी जिंदगी जिए। ज़ेरब, अरे भाई सत के जाओ। याला मेरे भाई को भी लंबी जिंदगी देना, सेहत दे, अम्मा भी जिए, हजारों साल जिए। यारा लग रहा है मेरा भाई कुर्ते में। अबे चल ना, अम्मा बुला रही है खाने के लिए, उतर नीचे उतर। भाई आराम से पकड़, चल आराम से पकड़, नहीं तो चल यार। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वो जहरा है, मर गई जहरा जी। वो मैं उसके लिए ये लाई थी, उसे दे दीजिएगा। और सुन, अपने घर वाले को देख, बाल बच्चे पैदा कर और जहरा की फिक्र करनी छोड़ दे। जहरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नहीं वो मैंने सोचा आपके साथ मिलके काम करवा देती हूँ, कुछ बर्तन होंगे वो धो लेती हूँ, सारा दिन थक जाती होंगी ना काम कर करके। और आज तो मेरे ऑफिस से आने से पहले ही आपने खाना तैयार कर लिया। तुम फिक्र ना करो, जाकर बैठो, भैया आज देर से आएंगे, किसी के नंबर बढ़ने वाले नहीं है। कैसी सोच है आपकी, कितनी छोटी ज़हनियत है। आप होंगी उन ख़वातीन में से जो मर्दों के घर आने से पहले अपना काम शुरू करती हैं। यकीनन ख़वातीन के डाइजेस्ट पढ़ती होंगी जो ऐसा सोचती हैं। मैट्रिक कर लिया होता तो शायद ज़हनियत भी बड़ी हो जाती। ज़हनियत छोटी बड़ी नहीं होती, इंसान होता है। और तुम क्यों हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई? मैंने तो तुम्हें कभी ताना नहीं दिया कि तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ। ये सब काम हमारे हाथ में नहीं होते। ठीक कहती हैं आप, ना मेरा बच्चा हो सका और ना आपकी शादी। सहरा के अब्बा जी तड़प तड़प के मर गए, जहरा पागल हो गई और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। कर भी क्या सकती थी, हमारे बस में कुछ भी नहीं। मजबूर है हम, किस्मत के हाथों। तुमने भी तो किस्मत से लड़के अपनी शादी की है। अम्मी सब लोग खिलाफ थे, मैं भी खिलाफ थी, इसीलिए आज अपने घर में नौकरों की तरह रह रही हूं मैं। ऐसा क्यों सोचती हैं आप, घर का काम कर लेने से आप नौकर क्यों समझने लगी हैं खुद को? मैं भी तो काम करती हूँ, आपके आपके भैया भी तो दिन रात काम करते हैं, तो क्या हम लोग भी नौकर समझने लगे? तुम दुआ करो मैं मर जाऊं, वरना मैं तुम्हारी जिगरी दोस्त जहरा की तरह ना पागल हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे, आप प्लीज परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। या अल्लाह हमारी मदद कर, हमारी मदद कर या अल्लाह। किस्मत तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन आगे। आगे क्या क्या होगा आगे? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ मसले हो सकते हैं,
शायद तलाक हो जाए। आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो शादी अब तक हुई नहीं है। आप जरा गौर से देखिए। शादी नहीं हुई बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई और भी नजर आया है। अच्छा, और वैसे भी तुम जिसे चाहते हो तुम उसी को अपनी बीवी मानते हो। अच्छा, आप ये सब छोड़े, बस मुझे ये बताइए कि कितनी शादी है मेरी किस्मत में। शादी तो बेटा तुम्हारी एक ही है, लेकिन औलादें जो हैं वो तीन हैं। अजीब सी बात कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मुझे। आपने भी खुद तो कहा कि मेरी शादी रहेगी नहीं। हाँ बेटा, तुम उस शादी से खुश नहीं रहोगे, और तुम्हारे हाथ में शादी की कुछ लकीरें कटी हुई हैं। पहले पहले तुम खुश नहीं रहोगे, बाद में हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत आ जाए। मतलब मेरी बीवी जिंदा रहेगी, वो मरेगी तो नहीं। दरअसल हर मर्द यही चाहता है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बीवी की उम्र बहुत लंबी है और उसके हाथों अल्लाह तबारक ताला ने बहुत शिफा दी है बहुत सारे लोगों के लिए, और वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करेगी। बाबा, मैं क्या बताऊं आपको, दिन रात वो मुझे परेशान करती रहती है। मारने से बेहतर है कि उसकी शादी हो जाए और अपने घर चली जाए। खबरदार बदतमीज औरत, कभी मारना चाहती है कभी शादी कराना चाहती है, ये सब इधर नहीं चलेगा। ये जो जिन्नात है ना, जिन्नात, ये जब किसी की ख्वाहिश सुन लेते हैं तो इनके सर काट दिए जाते हैं ताकि वो कुछ और न सुन सके न कर सके। जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं करते नहीं मरते। तो अब मेरी नंद का क्या होगा, कहीं वो भी जहरा की तरह तो। जरा अपने किए का भुगत रही है। मना किया था उसे, जो चीजें उसके दुश्मनों को खिलाने को कही थी वो खुद खा बैठी। क्या उल्लू का गोश्त दिया था खाने को, उल्लू का गोश्त, उसको पागल ही होना था ना। लेकिन तू आजकल बहुत पूछ-गछ कर रही है मेरी। है वो तो मैं ऐसे ही। अच्छा आप मेरा काम तो कर दें, मैं सोच रही थी कि अगर सुलेखा पागल हो गई तो उसे मुझे ही संभालना पड़ेगा। बर्बाद हो जाएगी सुलेखा, कुछ नहीं बचेगा उसका। जब तक तेरा यकीन मुझ पे, तेरा कोई बाल भी का नहीं कर सकता। उसकी सारी जिंदगी उछड़ पुछड़ कर दे। ठीक है जा। ओ। निकल बाहर पागल की औलाद। कमीनी, कर जुबान बंद कर। ये मेरी बहन है, ठीक है ना, और इस घर की औरतों का ख्याल रखना मुझे अच्छी तरह आता है। अब्बा, तो आप उसे उस जहन्नम में मरने के लिए छोड़ा है? कुछ नहीं होगा उसे। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी।